वेतन रोके जाने से नाराज कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। रायगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना में काम कर रहे मैदानी कर्मचारियों में आज वेतन रोके जाने से गहरी नाराजगी देखी गई। नाराज कर्मचारियों ने अपने विभागीय अधिकारियों के प्रति हल्का रोष प्रदर्शन करते हुए रोके गए वेतन को अविलंब दिए जाने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर लिखित ज्ञापन भी दिया। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि कर्मचारी और उसका परिवार वेतन पर ही निर्भर रहते हैं। वेतन रोक दिए जाने पर उनका परिवार परेशानी में फंस जाता है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ की ओर से एक ज्ञापन माननीय उप संचालक कृषि को सौंपा गया है, जिसमें माह अप्रैल के वेतन आहरण की मांग की गई है। अभी एक आदेश जारी करके माननीय उप संचालक कृषि द्वारा हमारे पूरे जिले के जितने भी मैदानी कार्यकर्ता है, जिसमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी, इन सब का तनख्वाह रोक दिया गया है। और तनख्वाह रोकने का उन्होंने जो कारण बताया है, उसमें ये कहा गया है कि राजीव गांधी न्याय योजना में प्रगति नहीं आ रही है, इस वजह से तनख्वाह रोका जाता है। इसी का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा है कि 3 दिन के अंदर आप वेतन आहरित कीजिए। अगर 3 दिन के अंदर आप वेतन आहरित नहीं करते हैं तो हम 4th दिन यहीं पे इस परिसर में धरना दे करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत हमसे शासन 100% किसानों के हस्ताक्षर युक्त किसान सूची मांगी जा रही है, जिसमें सरकार की यह योजना है हम किसानों को प्रोत्साहित करें कि वह धान की फसल की जगह अपने खेतों में दूसरी फसल लगाए, जिसके लिए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। योजना अच्छी है, परंतु ज्यादातर किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ से वंचित थे। अतः किसान इस योजना के प्रति उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में जिले भर के कृषि विस्तार अधिकारियों को किसानों से सहमति लेने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसके बावजूद विभाग ने अप्रैल महीने का हमारा वेतन रोक रखा है, जो कि सरासर गलत है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर ज्ञापन के माध्यम से मांग रखा है कि अप्रैल माह का रोका हुआ वेतन दिया जाए, जिस पर उनकी तरफ से यह आश्वासन मिला है कि कलेक्टर के निर्देश पर वेतन रोका गया है, उनसे बात करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। धर्म जयगढ़ से राहुल अधिकारी की रिपोर्ट। जो भी तकनीक अपने हमारे विभाग के काम पर रहते हैं, तो उसमें क्या धान के बदले फसल लेने का कार्यक्रम संचालित है। उसमें सभी को समय सीमा में क्या है, किसानों से संपर्क करके गोठान सॉरी उसमें कृषक संगोष्ठी करके किसानों से सहमति लेने की बात थी कि कितना किसान जो है कब तक जो है फसल लगाएंगे क्या क्या, तो उसके आधार पे समय सीमा में संबंधित जो हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी द्वारा जमा नहीं किया गया था, तो जिसकी वजह से हमारा जो है प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं बन पाया था, है ना। उसके वजह से जो है उनका वेतन माह अप्रैल का रोका गया था, और संबंधित जो हमारे जो संघ वाले हैं उन लोगों ने भी कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे, तो कलेक्टर महोदय ने 1 मई तक का टाइम दिया था कि आप लोग जो है उसको सहमति किसानों को लेकर के